हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है ट्रेडिंग फैब डॉट इन के ऊपर। हफ्ता शुरू हो गया है और हफ्ते के पहले ही दिन यहाँ पर फिर एक बार गिरावट देखने को मिल रही है निफ्टी, बैंक निफ्टी इंडेक्स दोनों में। अभी ना बल्कि भारतीय बाज़ार लेकिन यूएस मार्केट्स को भी देखें तो वहाँ पर भी ये गिरावट 27 सितंबर से हमें देखने को मिल रही है। अगर डाउ जोन्स का चार्ट देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 27 सितंबर का कैंडल और वहाँ से यहाँ पर भी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। हालांकि अगर हम भारतीय बाज़ार देखें तो निफ्टी लगातार 27 सितंबर से लाल निशान में कारोबार कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी जो मीडिया में सोशल मीडिया में खबरें चल रही है कि सेबी के नए रूल्स के वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स, स्मॉल ट्रेडर्स ये मार्केट से बाहर हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये खबरें चल रही है और ट्रांजैक्शन चार्जेस भी जो सेबी ने बढ़ा दिए हैं तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है मार्केट के ऊपर, वॉल्यूम कम हो सकता है, इस तरह के खबरें चल रही है। इस कारण यहाँ पर हमें ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर ओवरऑल अप ट्रेंड देखें जो जून 2024 से ये जो अप ट्रेंड चल रहा है उसके बाद ये जो करेक्शन आया है ये एक हेल्दी करेक्शन आना भी लाजमी है, क्योंकि इतने बड़े अप ट्रेंड के बाद एक करेक्शन भी आना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर और लंबा जंप लगाना है तो दो कदम पीछे आना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिलहाल अभी यूएस में इलेक्शंस भी है, 30 दिन रह गए हैं तो इसका इम्पैक्ट भी हो सकता है यहाँ पर आते हुए हमें देखने को मिले। अगर वहाँ सरकार चेंज हो जाती है तो मार्केट एक फ्रेश पॉजिटिव मूव दिखा सकता है, अदरवाइज़ हो सकता है ये यहाँ पर फिर एक बार हमें मिडल ईस्ट की जो सिचुएशन है वो भी और टफ होती हुई देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल आज 218 पॉइंट के गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ। जो लेवल्स हमने मार्क किए थे आप देख सकते हैं, सुबह ब्रेकआउट लेवल के पास ही इसने रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट इजीली अचीव हुआ, दोबारा ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन ब्रेकडाउन लेवल ने यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम किया और जैसे ही इसको फिर एक बार टूवर्ड साउथ की तरफ आया सेकंड टारगेट के भी नीचे और भी टूवर्ड साउथ की तरफ हमें ये फॉल देखने को मिला। लेकिन आज जो वोलेटैलिटी थी गजब की वोलेटैलिटी थी, अगर बैंक निफ्टी में 2 बजे के बाद अगर 1 मिनट का कैंडल आप देखें तो 100 पॉइंट का एक एक कैंडल बन रहा था, 1 मिनट का, 1 मिनट का कैंडल 100 पॉइंट का रेंज वाला बनते हुए देखने को मिला। तो काफ़ी ज़बरदस्त वोलेटिलिटी आज मार्केट में देखने को मिली। अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये डेली चार्ट को एक बार देख लेते। डेली चार्ट ने 27 सितंबर को यहाँ पर 26,277 का यहाँ पर हाई लगाया। अगर हमने यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ करके देखा था कि ये जो 100% का लेवल इसने अचीव किया और यहाँ से ये फॉल आना शुरू हुआ तो अभी ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पहले तो इसने पिंक लाइन तोड़ा, फिर अभी ये ब्लू लाइन भी तोड़ दिया और अगर ये गिरावट है और भी टूवर्ड साउथ की तरफ जाती है तो ये ग्रे लाइन जो कि अराउंड अभी 24,400 के आसपास है ये यहाँ पर हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है। फिलहाल अभी ये जो लास्ट का स्विंग लो है यानी अराउंड 24,800 के आसपास, तो यहाँ पर अगर इसने स्विंग लो के हिसाब से अगर सपोर्ट लिया तो उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से बाउंस बैक हो। लेकिन अगर इसको भी इसने तोड़ दिया कल और सस्टेन हो गया आर्ली चार्ट में इसके नीचे तो हमें नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है 24,400 के आसपास निफ्टी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। फिलहाल यहाँ पर ये जो स्विंग लो बनाया है दो बार यहाँ पर आप देख सकते हैं, पास्ट में एक बार रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद इसी लेवल ने सपोर्ट का काम किया है, तो 24,800 ये सपोर्ट देखते हैं लेता है, रिस्पेक्ट करता है या नहीं। कल अगर इसके नीचे सस्टेन रहता है आर्ली चार्ट में तो और फॉल हमें यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल यह डेली चार्ट का सिनारियो है। अभी चलते हैं 60 मिनट के चार्ट के ऊपर। कल के लिए देखिए हमारा जो ब्रेकडाउन लेवल बनेगा ये होगा अराउंड 24,756, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पर 24,725 का और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 24,693 का। टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ अगर ये भागता है ऊपर की तरफ बाउंस बैक होता है तो हमारा यहाँ पर ब्रेकआउट लेवल बनेगा अराउंड 24,873। फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 24,912 और सेकेंड टारगेट होगा 24,944, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो यह है निफ्टी के लेवल्स। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं।
बैंक निफ्टी में भी जो लेवल्स हमने मार किए थे आप देख सकते हो, ब्रेकआउट लेवल के पास ही इसने भी रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट अचीव हुआ, यहाँ पर ही सपोर्ट लेने की फर्स्ट अटेम्प्ट में कोशिश की, ऊपर गया लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया, फिर दोबारा से नीचे आकर सेकेंड टारगेट के भी नीचे हमें ये जाते हुए देखने को मिला। और ये जो लास्ट का एक घंटा बचा था उसमें ज़बरदस्त वोलेटिलिटी थी, एक मिनट का बैंक निफ्टी में एक मिनट का कैंडल 100 पॉइंट का रेंज दिखा रहा था, तो गजब की वोलेटिलिटी आज देखने को मिली बैंक निफ्टी में भी। अभी कल के लिए के इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं, इसके लिए 60 मिनट के चार्ट को एनालिसिस करेंगे। यह है 60 मिनट का चार्ट, कल हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा अराउंड 50,315, फर्स्ट टारगेट होगा 50,210, सेकेंड टारगेट होगा 50,105, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ आता है, बाउंस बैक होता है, तो ब्रेकआउट लेवल होगा 50,687, फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 50,801 और सेकेंड टारगेट होगा 50,915, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो फिलहाल ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स कल के लिए, और कोई आज स्पेशल स्टॉक एनालिसिस के लिए नहीं मिला जो कि बाइंग के लिए काफ़ी पोटेंशियल दिखाता हो। तो फिलहाल ये है लेवल्स, वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। छोटा सा इंट्रो ट्रेडिंग फैब के बारे में, ट्रेडिंग फैब एक ऑथराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है, एंजल ब्रोकिंग है। अगर आप इन चारों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे अंडर ओपन करते हैं तो हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम चैनल की मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। तो आपको करना क्या है, सपोज आपको जीरोधा में अकाउंट ओपन करना है तो आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है तो एक वेब पेज ओपन हो जाएगा, आपको आपके डिटेल्स यहाँ पर एंटर करना है, कंटिन्यू करना है तो आगे की ऑनलाइन अकाउंट प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है, काफ़ी सेफ है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो एक दिन में आपका अकाउंट ओपन हो सकता है। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको इस नंबर पे कॉल करना है हमें ताकि आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके।